एमपी में इन दिनों सियासत का सिलसिला रफ्तार पकड़ रहा है, जहां पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने शिवराज सरकार पर अलग अलग मुद्दों को लेकर जमकर निशाना साधा। देखिए खास रिपोर्ट। एमपी में रफ्तार पकड़ रहा सियासत का सिलसिला, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने साधा सरकार पर निशाना। अलग अलग मुद्दों को लेकर वर्मा ने साधा निशाना। राजधानी भोपाल में पूर्व मंत्री और विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने मीडिया से बातचीत की, जहां वर्मा ने शिवराज सरकार पर अलग अलग मुद्दों को लेकर जमकर निशाना साधा। मीडिया से बातचीत करते हुए सज्जन सिंह वर्मा ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। देखिए, 2018 के चुनाव के पहले भी शिवराज चौहान ने विजय यात्रा निकाली थी। गांव-गांव में इसका विरोध हुआ था, गांवों में, कि विजय यात्रा विकास यात्रा के नाम से निकाली थी। लोगों ने दिखाया कि क्या बुरे हाल हैं गांवों के, कहां विकास है। तो उस समय बीजेपी हारी, 2018 में शिवराज के चेहरे को, इनके झूठे विकास को नकार दिया। अब ये डर डर के निकालेंगे यात्रा, निकाल रहे हैं। अमित शाह ने बड़ी मुश्किल से परमिशन तो दे दी, पर वो समझ गए कि शिवराज के चेहरे से अब चुनाव उनाव जीतना नहीं है। इसलिए क्या नाम उनका भैया का, सहस्त्र बुद्धे भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव जी, इन लोगों का कि अब यही जो निर्णय लेंगे, शिवराज के निर्णय मत मानना, ये जो निर्णय ले वही अब माने जाएंगे चुनाव तक। तो ये अंदाज लग गया है कि शिवराज के चेहरे पर चुनाव, चाहे विजय यात्रा निकाल लो चाहे विकास यात्रा निकाल लो, ये ढोंग अब चल नहीं रहा। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो एमपी में इन दिनों सियासत का सिलसिला रफ्तार पकड़ रहा है, जहां पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने शिवराज सरकार पर अलग अलग मुद्दों को लेकर जमकर निशाना साधा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।